द कश्मीरी फाइल्स इंडिया की पहली ऐसी फिल्म जिसको कोई बड़ा सुपरस्टार, कोई प्रोडक्शन स्टूडियो प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि लोग खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस रख रहे हैं, ट्विटर पर हैशटैग चला रहे हैं। राधे श्याम जैसे बिग बजट और बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्म को भी जिसने पीछे छोड़ दिया, जो दिन ब दिन नए नए रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है, 8 से ज़्यादा राज्यों ने जिसको टैक्स फ्री बना दिया, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिन्होंने अपने भाषण में सारे भारतीयों को यह फिल्म देखने का आह्वान किया। आखिर क्या है इस फिल्म में? क्यों लोग पागल हो जा रहे हैं इस फिल्म के लिए? क्यों 500 स्क्रीन से स्टार्ट हो करने वाली फिल्म आज 2500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर हाउसफुल में रिलीज हो रही है? ये फिल्म नहीं बल्कि ये हमारा इतिहास है जो 30 साल तक हमसे छुपाया गया। क्यों फुट फुट कर रो रहे लोग? आखिर क्यों इमोशनल हो रहे लोग फिल्म देखने के बाद? आखिर क्या है इस फिल्म में? तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। द कश्मीरी फाइल्स 19 जनवरी 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड यानी नरसंहार के बारे में है। फिल्म के स्टोरी के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप थिएटर में जाकर ही इस फिल्म को देखना, क्योंकि दिस फिल्म डिजर्व्स टू बी वॉच इन थिएटर्स ओनली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीरी फाइल से रिलेटेड कुछ बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में और जानेंगे उसके पीछे की असली सच्चाई। इस वक्त की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है द कपिल शर्मा शो के बारे में। कपिल शर्मा ने अपने शो में कश्मीरी फाइल्स के स्टारकास्ट को नहीं बुलाया, यह कहकर कि फिल्म में बड़े स्टार्स नहीं है। डायरेक्टली जाकर कपिल को ब्लेम करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि सारी जो चीजें हैं वो कपिल के हाथ में नहीं है। प्रोड्यूसर्स के खिलाफ जाकर तो कपिल शर्मा कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए हमें यह भी जानना चाहिए कि आखिर कौन है प्रोड्यूसर द कपिल शर्मा शो के, सलमान खान। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ हिंदू पंडितों का जेनोसाइड नहीं हुआ था, बल्कि उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी थे। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का बेसिक क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि यह फिल्म हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है ही नहीं, यह फिल्म है आतंकवादी और उनके द्वारा हो रहे अन्याय जब कश्मीर में रह रहे हिंदुओं पर। सारे आतंकवादी मुस्लिम होने की वजह से वो उस कश्मीर में जो कॉमन मुस्लिम लोग रह रहे थे उन पर भी प्रभाव डाल रहे थे, और उनकी आइडियोलॉजी एंड उनके भड़काऊ भाषण की वजह से कश्मीर में रह रहे जो कॉमन मुस्लिम थे उनमें से भी बहुत सारे आतंकवादी बन गए। मुस्लिम लोग मरे, लेकिन कौन मरे जो इस जेनोसाइड का विरोध कर रहे थे? और कौन मरे कि जो मुस्लिम्स इंडिया के गवर्नमेंट में थे, कोई गवर्नमेंट जॉब में था, कोई सेंट्रल के जॉब में था, वो मरे, क्योंकि आतंकवादियों की आइडियोलॉजी एक ही थी कि सारे हिंदुओं को एक तो मार दो या फिर भगा दो। और जो भी लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी मार दो, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या कोई भी हो, क्योंकि आतंकवादियों का कौन सा भी धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है, वो है आतंकवाद। उन आतंकवादियों के भाषण से लोग इतने प्रभावित हो गए कि जो सालों से एक दूसरे से भाई बहन की तरह रह रहे थे, भाई भाई की तरह रह रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम कभी एक दूसरे का धर्म नहीं देखते थे, वो मुस्लिम्स हिंदू के खून के पैसे बन गए थे। इसलिए बहुत ही कम निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हिंदू और हिंदू पंडित स्पेसिफिकली उस टाइम कश्मीर में रह पाए, बाकी सारों को एक तो भगा दिया या फिर जेनोसाइड हो गया, जो आपने फिल्म में देखा। ये सारी बातें मैं मेरे खुद के मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अग्निहोत्री साहब ने खुद बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बातें क्लियर की है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका फेमस ललन टॉप से हुआ इंटरव्यू की लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके डिटेल में वो इंटरव्यू जरूर देखना। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक फिल्म की वजह से सारे इंडियन सब यूनाइट हो रहे हैं। अगर आपने अब तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी तो क्या कर रहे हो? जल्दी अभी के अभी टिकट्स बुक करो और जाकर फिल्म को जरूर देख के आओ, क्योंकि ये उनका हक है और ये हमारा भी कर्तव्य है कि इस फिल्म को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म बनाना। अभी 25 अप्रैल को राजामौली सर की RRR फिल्म आ रही है जिसका बजट है 400 करोड़ और उसी के नेक्स्ट दिन 26 को शाम 6:30 बजे आ रहा है हमारा मस्ट अवेटेड KGF 2 का ट्रेलर, तो वो भी जरूर देखना। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।